बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाज़कत काफ़ी माएँ वीडियो देखती हैं और फिर वो कमेंट करती हैं, हम हमारे छोटे बच्चे हैं, हम उनको कौन सी क्रीम यूज़ करवाएं जिसको यूज़ करने के बाद हमारे बच्चों की जो स्किन है वो वाइट हो जाए। तो काफ़ी परेशान भी होती हैं कि जब उनका कलर थोड़ा सांवला होता है। तो मैंने तो वैसे हर वीडियो में यही कहा कि जो मैं क्रीम बताता हूँ वो कुछ एज वालों के लिए होती है, ना कि बच्चों के लिए या फिर टीन एजर के लिए। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नेचुरली क्रीम बनाना सिखाऊंगा जो कि आप अपने छोटे से बच्चों को भी आप लोग यूज करवा सकते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप बासानी यूज करवा के उनकी स्किन को वाइट कर सकते हैं। एज की लिमिट ये रहेगी कि आप अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप 14 साल तक अपने बच्चों तक यूज करवा सकते हैं। ये नेचुरली क्रीम है, घर में बनाएंगे जिससे होगा कि आप लोगों की स्किन वाइट हो जाएगी बच्चों की यानी के, एंड उसके अलावा स्किन ग्लो करेगी। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गर्मी कितनी ज्यादा है, लाइक क्यों नहीं कर रहे आप लोग, मैं आपके लिए कर रहा हूँ सारा कुछ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो फिर देरी किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे साथ बेल का करेंगे, सिंपली आप लोगों ने बेल पर क्लिक करना है, ऊपर ऑल का ऑप्शन आएगा तो खाली आप लोगों ने ऑल पर क्लिक कर देना ताकि इसी तरह की फैशन एंड वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलते रहे। चुका चले फिर हम शुरू करते हैं। So, देखिए आप किसका वेट कर रहे हैं, सबसे पहले आप वो क्रीम बनाना सीख लीजिए, देन मैं आपके पास वापस आता हूँ। So, guys, सबसे पहले आप लोगों को ऐसा करना है, कोई 8 से 10 बादाम ले लेने, ये देखने आप लोगों के आंखों के सामने जो मैंने लिए हुए हैं। सो आपने इसे पानी में भिगो देना है। सो 20-25 मिनट के लिए आप इसे भिगो देंगे तो ये फूल से जाएंगे, मोटे से हो जाएंगे। अब आपने ऐसा करना है कि इसका जो ऊपर वाला छिलका है आप लोगों ने इसका वो उतार देना है ऊपर से, बिल्कुल आपने तमाम जो बादाम हमारे पास हैं उनको आपने अच्छे तरीके से छील लेना है। सो गाइस, ये मैंने छील ली है और आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है भाई, ये देख लो आप लोग। अब मेरे भाई आपको सिंपली ये करना है कि कद्दूकश लेना है, ठीक है, ये देख लो आप लोग, और आपने सिंपली इसको कद्दूकश की मदद से बिल्कुल ब्रीक ब्रीक पीसीस के अंदर आपको इसे इस तरीके से कर लेना है। अगर आपके पास ग्राइंड मशीन है उसके साथ ब्रीक कर लीजिए, अगर नहीं तो कद्दूकश है उसके साथ आप कर लीजिए, बात एक ही है, बस हमें ये ब्रीक करने हैं। तो चलिए आप इस तरीके से ब्रीक कर लेना है। तो भाई देख लो, मैंने इसको छोटे छोटे पीसी में डिवाइड कर लिया है। अब मेरे भाई आपको ये करना है कि रोज वाटर लेना है, गुलाबर रोज वाटर आपको लेना है और थोड़ा सा इसके अंदर वो ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आपने इसे 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। तो ये जो रोज वाटर हमने इसमें ऐड किया है ना, इसका सारा मिल्क निकल के बादामों का रोज वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा। सो आपने इस तरीके से छोड़ना है ताकि सारा मिल्क टाइप ये बिल्कुल अपना छोड़ दे। सो गाइस, उसके बाद आप लोगों को देखना है, देखो मिल्क सा बन गया है। अब आपको कोई भी बाउल ले लेना है और इसके अंदर भाई आपने इसको फिल्टर कर लेना है। इसका जो बूदा होगा वो हमने इसका वेस्ट कर देना है, बस इसका जो हमारे पास पानी बच गया है ये हमें चाहिए सिंपली भाई, वो हम अपनी इस्तेमाल में ले आएंगे। तो बूदा हम इसका फारिग कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। तो ये पानी थोड़ा सा इसका बना है, ये हमारे काम का है, चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो भाई इसके अंदर आपको चाहिए एलोवेरा जेल। सो आपके पास अगर नेचुरली वाली है तो वो भी चल जाएगी, अगर आर्टिफिशियल वाली है तो वो भी चल जाएगी, कोई मसला नहीं है। सो ये देख लें, तकरीबन 1 चम्मच है, आप ये छोटा चम्मच था हमने 1 चम्मच लेना, अगर आपके पास बड़ा चम्मच है तो आपने 1/2 चम्मच लेना है। तो हम वो इसमें ऐड कर देते हैं एलोवेरा जेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहेगी मेरे भाई कोकोनट ऑयल, तो हम ये कोकोनट ऑयल लेंगे तकरीबन 1/2 स्पून, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी जो चम्मच है उसका 1/2 स्पून ही बनता है, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मेरे भाई अब बात है, आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाते जाना है ताकि क्रीमी टाइम में आ जाए। तो सर्दियों में तो बिल्कुल ये जम जाएगा, गर्मियों में ये पानी टाइप सेम इस तरीके का रहेगा, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, अच्छे तरीके से आपने इसको हिला लेना है। सो गाइस देखिए, ये क्रीमी टाइप बिल्कुल मैंने इसको कर लिया मिक्स। अब मेरे भाई किसी भी छोटे जार के अंदर, डिब्बी के अंदर आपने इसको रख के, फ्रिज में रख के आपने इसे जमाल ने फ्रीज कर लेना है और इसको आप 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यूज़ करने का मेथड बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों ने इस नेचुरली क्रीम को यूज़ करना है। आई होप कि आप लोगों ने क्रीम बनाना सीख लिया है, 10-15 रुपए में आप लोग इजीली घर में बना सकते हैं। अब इसी के बारे में कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं चंद, फिर उसके बाद में आपको यूज़ करना बता देता हूँ किस तरीके से आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपकी एज की जो लिमिट है, छोटे बच्चों से लेके यानी कि कुछ 3-4 साल से बच्चों से लेके आप इसे 14 साल तक के बच्चों को आप यूज़ करवा सकते हैं। दूसरी ये चीज़ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे दिन रात यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ रहेगी, देखो
क्रीम मैं लगा रहा हूँ फिर भी मैं धूप में मुसलसल फिर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कलर व्हाइट है तो ये कैसा पॉसिबल है, हो ही ना सकता, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को थोड़ा सा डस्ट वाली एरिया से जाने से बचाना है, थोड़ा आपने बचाना है उसे धूप में जाने से, अगर फिर भी जाना है मजबूरी है कुछ तो फिर वो जो क्रीम हमने आपको बनाना सिखाई है वो स्किन के ऊपर लगानी है। इसमें क्योंकि ये चीज़ है कि मैंने इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, कोकोनट ऑयल आपका समझ लें एक नेचुरली सनब्लॉक है जो कि सन से आने वाली रेडिएशन जो आपकी स्किन के ऊपर असर करती है उनको वो कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को उससे बचाता है। तो ये एक अच्छी चीज है, तो आपने जरूर इसको जब भी लगाना है फिर आप लोग बाहर जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले इसको यूज करने का मैथड बताता हूँ कि किस तरीके से आपने अपने बच्चों की स्किन के ऊपर से यूज करवाना है। तो क्रीम जो बनाई वो मेरे हैंड में है, अब मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने इसको अपनी स्किन के ऊपर भरना नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी लाइट सी मकदार लेके इस तरीके से डिवाइड करवा देना। तो ये तकरीबन 2 ड्रॉप थे जो कि मैंने अपनी पूरी चीक्स के ऊपर डिवाइड कर दिए, फिर उसके बाद तकरीबन फिर 2 ड्रॉप्स हैं ये पूरे फोरहेड के ऊपर एंड यहाँ पे भी लग जाएंगे। तो इसमें कोशिश जरूर आप लोगों ने करनी है कि स्किन क्रीम को आपने फ्रीज करा के यूज करना है, ठंडी होगी तो बेहतर हो जाएगा, फ्रीज जरूर करवाना है। सर्दियों में तो फ्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बट सर्दियाँ अगर नहीं है तो गर्मी में पिघल जाती है, तो बेहतर है कि फ्रीजर में रख के इसे जरूर फ्रीज करवाएं और फिर इसको यूज करें, और इतनी यूज करें जितनी मैंने आपके सामने बताई है, इससे बरके नहीं लें। इसकी फ्रेगनेंस भी बड़ी कमाल की है, अच्छी खासी फ्रेगनेंस आ रही है, और आई होप कि आपको ये मैंने बता दिया हर चीज़ के कैसे कैसे यूज़ करना है। बट आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो आपको कैसे लगी अगर लाइक एंड शेयर करके बताइएगा। मैं आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।